दोस्तों एक भाई का कमेंट था कि सर समर सेवल पम्प का कनेक्शन कैसे करते हैं तो जो समर सेवल पम्प है वो डेढ़ एच का है सिंगल फेज है और कहते हैं कि इसमें मतलब टाइमर का यूज हो तो समर सेवल में क्या है कि आपको टाइमर का यूज अगर सिंगल फेज का है तो यहाँ पर टाइमर का यूज नहीं होगा तो दोस्तों आज बीस विषय में बात करेंगे कि डेढ़ एच का समर सेबल पम्प का कनेक्शन कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो दोस्तों बने रहे है वीडियो के साथ लास्ट तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो तो सबसे पहले हम जान लेते हैं किसी भी चीज़ का कनेक्शन करने से पहले हम जान लेते हैं कि उनमें तो लगने वाली चीज़ें क्या क्या हैं तो अगर डेढ़ एचपी का समरसेबल पंप है तो हमें उसके लिए एक स्टार्टर की जरूरत पड़ेगी हमें एक उसके लिए स्टार्टर की जरूरत पड़ेगी अगर स्टार्टर है तो ठीक है नहीं तो स्टार्टर खुद बनाना पड़ेगा अब स्टार्टर कैसे बनेगा तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो डेढ़ एच पी का पंप है उसमें कितने का एम लगेगी जो स्टार्टिंग जो करेंट होगा वो कितना होगा तो सबसे पहले हम हमें क्या क्या चाहिए हमें करंट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए चाहिए तो हमारे पास है आपका हमें चाहिए बोल्ट एम्पियर पावर फैक्टर इफिशियंसी और चाहिए हमें वाट तो हमारे पास क्या क्या है हमें बोल्ट पता है कि 220 सौ बोल्ट होता है एम्पियर हमें नहीं पता है कि वो कितना लेगा या फिर अगर मोटर के नेम प्लेट पर देखेंगे तो मिल जाएगा कि कितना एम्पियर लेगा पावर फैक्टर जो होता है ये पॉइंट एट हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं बाकी मोटर के ऊपर भी लिखा होता है कि पावर फैक्टर कितना चलेगा इफिसियंसी हम इसकी नब्बे परसेंट मान लेते हैं और वाट वाट अगर देखें हम डेढ़ एच पी है तो एक एच पी में जो हमारा वाट होता है एक एच पी बराबर होता है सात सौ छियालीस वाट तो यहां पे जो हो जाएगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा ग्यारह सौ उन्नीस हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है तो ये हो गया आपका ग्यारह सौ उन्नीस अब हमें चाहिए क्या हमें चाहिए एम्पियर कि कितने एमपियर ये करंट लेगा तो उसके लिए दोस्तों तो एक फार्मूला होता है आई बराबर पी बटे बी जो मैं पिछले कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि करंट कैसे निकालते हैं लेकिन आज फिर इस विषय में इस इस वीडियो में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो हमारा आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो लोड है ये एक तरह का इंडक्शन लोड है तो इंडक्शन लोड में क्या होगा कि बोल्ट इंटू पी एफ इंटू तो पावर जो होगा हमारा वो होगा वाट में तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1119 को बोल्ट हमारा है 220 पावर फैक्टर हमारा पॉइंट एट और इफ़िशेंसी हमारी पॉइंट नाइन तो हम क्या करेंगे इनको जो है कैलकुलेट कर लेंगे तो हमने पहले इसको जो है दोस्तों कैलकुलेट कर लिया है तो ये जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो निकल के आएगा वो आएगा आपका सिक्स पॉइंट थ्री टू एम्पियर तो जो इस डेढ़ एच के पंप का जो कनेक्ट जो करंट होगा वो होगा सिक्स पॉइंट थ्री टू एम तो अभी क्लियर हो गया दोस्तों इसके बाद हमें क्या चाहिए इसके बाद हमें चाहिए कि कैपेसिटर अब हमें चाहिए क्या इसके लिए कैपेसिटर क्योंकि ये सिंगल फेस है सिंगल फेस में कैपेसिटर लगाने की जरूरत पड़ती है तो अब हमें चाहिए कैपेसिटर तो कैपेसिटर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने पे कितने का कैपिटल लगेगा तो इस विषय पर दोस्तों हमने पहले वीडियो बना बना रखा है और अगर आप डिस्क, चाहेंगे तो डिस्क्रिप्सन में आपको लिंक मिल जाएगा तो दोस्तों हमने इसको पहले कैलकुलेट कर लिया है कि हमारा जो डेढ़ एच का पंप है उस पर कितने का कैपिसिटल लगेगा तो इसके जो आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आर पॉइंट सिक्स वन एम एफ डी तो जितना आया उससे थोड़ा कम का कैपिसटल लगा दीजिए तो हम यहाँ पे कैपेसिटर जो यूज़ करेंगे वो चालीस चालीस एम का कैपेसिटर यूज करेंगे इसके बाद दोस्तों अब मिल गया अपने को कैपेसिटर और करंट की कितना करंट ये लेगा तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसमें कनेक्शन करेंगे कनेक्शन के लिए दोस्तों क्या होता है कि घर में अब सिंगल फेज है तो दो तार आपको मिल जाएंगे एक तो ये हो जाएगा आपका जो आपका फेज होगा इसके बाद एक तार आपको और मिल जाएगा जो किसी दूसरे कलर में भी हो सकता है ये दूसरा कलर हम ले लेते हैं ये हम न्यूट्रल मान लेते हैं इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा समर सेबल होता है उसमें हमें तीन वायर मिल जाते हैं इस तरह से तीन वायर मिल जाते हैं तीनों डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं तीनों जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे कि हमें दो तारें मिल गया तो दोनों हम क्या करेंगे सबसे पहले तो जो हमारा ये तार है किसी एक तार को क्या करेंगे ला हम सीधा कनेक्ट कर देंगे और एक कैपेसिटर लगा देंगे या तो इस लाइन में हम क्या करेंगे एम सी बांध देंगे यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे एम एमसीबी लगा देंगे क्योंकि जो करंट है ये 6, 6 से ऊपर है और जब ये कोई भी मोटर जब स्टार्ट होती है तो अपने से डेढ़ गुना से भी ज्यादा करंट लेती है तो ये क्या करेंगे एम की बी लगा देंगे ताकि अगर ये ओवरलोड हो तो वो ट्रिप हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो कहीं पे तो वो ट्रिप हो जाए और बाकी सर्किट को शेप कर देगा तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक जो है दस एम की एम लगा दी अब दस एम पीयर की एम लगा दी तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर सपोर्टेड ये हमारी तीन वायर मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे एक वायर को सीधा ला कनेक्ट कर देंगे हम यहाँ पर हमने सीधा कनेक्ट कर दिया कनेक्ट करने के बाद में हमारा ये जो है समर्सेबल है हमारा ये है समर्सेबल अब हमें तीन तार मिल गए अब तीन तार में से एक को तो हमने फेज दे दिया इसके बाद बच्चे हमारे दो वायर अब हमारे जो बच्चे दो वायर तो इसमें हम क्या करेंगे कि न्यूट्रल भी लेंगे हम न्यूट्रल को ला के न्यूटल को भी हम सीधा यहाँ कनेक्ट कर देंगे अब बचा हमारा एक वायर एक वायर को हम क्या करेंगे जो हमने कैपेसिटर की बात किया था अब ये हमारा कैपेसिटर है कैपेसिटर से आपको दो वायर मिल जाएंगे तो ये जो कैपेसिटर है हमारा ये चालीस एम का है तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक तार तो हमारा आके सीधा यहां पे कनेक्ट हो जाएगा और एक जो न्यूट्रल का तार है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो अब दो तार से हमारे तीन तार बन गए दोस्तों अब इसके बाद इस तरह से आप जो है सिंपल तरीके से भी मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं एम के माध्यम से अगर आप चाहते हैं कि कोई इंडिकेटर वगैरह भी ऑन हो तो यहाँ पर कोई टर्मिनल ब्लॉक वगैरह भी लगा सकते हैं जैसे बहुत सारे टर्मिनल ब्लॉक आते हैं ऐसे जिनमें अलग अलग तार ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं उन माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हमारी मोटर जब स्टार्ट करें तो एक इंडिकेटर दें तो सपोड डेट आपको यहाँ पे एक छोटा सा इंडिकेटर लगा देंगे दो तार निकाल देंगे तो जैसे एम सी बी को ऑन करेंगे तो एक तार यहाँ मिल जाएगा इसको और एक इस न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे तो जैसे आप इसको ऑन करेंगे यहाँ पे एक इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और आपकी मोटर चलने लगेगी तो दोस्तों बहुत ही आसान है सिंगल फेज समर का स्टार्टर बनाना अब इस स्टार्टर में अगर आप चाहते हैं कि एमपियर मीटर भी लगा दें अगर आप कोई चाहते हैं कि आप एक एमपियर मीटर लगा दें जिससे आपको एमपियर दिखाए कि हमारा कितना एमपियर का चल रहा है तो उसमें क्या करना है दोस्तों एमपियर मीटर के पीछे भी दो तार लगाने के ऑप्शन होते हैं तो जो हमारा फेज वायर होता है सपोर्टर हमारा ये कोई फेज वायर है तो इसको हम क्या करेंगे इधर से इसमें कनेक्ट करेंगे और इधर से आउट करके मोटर पर कहीं भी लगा देंगे जैसे सपोर्टर हम यहीं लगाना चाहते हैं एमसीबी के बाद लगाएंगे तो एमसीबी के बाद ही लगेगा क्योंकि एमसीबी ऑन करेंगे उसके बाद ही चलेगा तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे एक बार ब्रेक करेंगे एक यहाँ ब्रेक करेंगे एक को यहाँ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे को यहाँ कनेक्ट कर देंगे सीधा ला इसे सपोर्टेट हमने एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और दूसरे को हमने यहाँ पे कनेक्ट दिया इस वायर को कर दिया ब्रेक और बीच में हमने सीरीज के सीरीज में हमने जो है सीरीज कनेक्शन में इसको लगा दिया तो इससे क्या होगा कि हमारा जब भी मोटर चलेगा तो एम पियर दिखाएगा कि कितने एमपियर पाँच एम पियर छः एम कितने एम का करेंट चल रहा है और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बोल्ट मीटर भी लगाएं तो बोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है जैसे ये हमारी कोई सप्लाई है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बोल्ट मीटर लगाएंगे यहाँ पे मतलब इसको इसके बाद ही लगाएंगे एम ऑन करने के बाद ही लगाएंगे या पहले भी लगा सकते हैं कि हम देख सकते हैं कितना वोल्ट आ रहा है या फिर बाद में भी लगा सकते हैं कहीं पे लगा सकते हैं यहाँ भी लगा सकते हैं यहाँ भी लगा सकते हैं तो इसको क्या करेंगे एक नूटल देंगे और एक फेज देंगे तो ये हमारा कितना है दो सौ जो भी आएगा उसको ये दिखाता रहेगा तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरलर में लगाते हैं और जो आपका एम्पियर मीटर होता है ये हमारा एम्पियर मीटर है तो एम्पियर मीटर क्या होता है हमेशा सीरीज में लगाते हैं दोस्तों तो आपने देखा कि अगर इस तरह से इंडिकेटर अगर आप चाहते हैं ऑफ का भी इंडिकेटर लें तो ऑफ़ का इंडिकेटर भी ले सकते हैं और ऑन का भी इंडिकेटर ले सकते हैं तो और आप एम्पियर मीटर भी लगा सकते हैं अगर बोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना लगाएं बिल्कुल सिंपल तरीके से मोटर को स्टार्ट करें तो बिल्कुल सिंपल हमने बता दिया आपको सबसे पहले हमने कैलकुलेशन बता दिया कि किसी भी मोटर सपोर्टेट आपकी यहाँ पे तो हमने डेढ़ एच पे बताई है कहीं पे हो सकता है आपको दो एच का कनेक्शन करना पड़ जाए तो दो एच पी बी सी फार्मूले के माध्यम से आप एम निकाल लेंगे सबसे पहले आप एम निकाल लीजिए उसके बाद आप कैपेसिटर को आप जो है कैपेसिटर को कैलकुलेट कर लीजिए कि आपकी कैपेसिटर कितने माइक्रोफेरेट का लगेगा तो कैपेसिटर आप निकाल लेंगे दोनों जो चीज निकालने के बाद में डायरेक्ट आपको अगर आप कहीं के भी कहीं कहीं पर होता है अगर मान लीजिए दोबारा रिवाइंड करवा के लाए तो हो सकता है आपको चार तार मिल जाए लेकिन चार तार में क्या होगा कि जैसे फ़ैन होता है आपका सीलिंग फैन सीलिंग फ़ैन की तरह इसमें भी चार में से तीन तार आपको बनाना पड़ता है अगर आप सपो डैट ये ये जो है आपका फैन का डायरेक्शन उल्टा हो गया तो आप क्या करेंगे जो न्यूट्रल वायर आपका आ रहा है जो आपका न्यूट्रल वायर है इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और इस वायर को फ्री कर देंगे सपोडैट ये हमारा कैपेसिटर है ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है और हमने क्या किया कि इस पॉइंट पे न्यूट्रल दे दिया और हमारा मोटर जो है उल्टा चलने लगा तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट पे न्यूट्रल देंगे और इस पॉइंट को फ्री करके ला कनेक्ट कर देंगे बस सिंपल तरीका होता है दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह के टेक्निकल वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद